ऐसा है, पंचम धाम एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में काम करती है। पंचम धाम के बिहार चैप्टर ने इस बात का संकल्प लिया है, मैं पंचम धाम एनजीओ का संरक्षक हूँ। ये शैलेश वत्स साथ बैठे हैं, ये उसके महामंत्री के रूप में है, बाकी सब सदस्यगण इनके साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं। तो ये इनके मन में आया कि बिहार में भी एक कार्यक्रम करना चाहिए, और अभी कल गणेश चतुर्थी से लेकर और महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को आएगी, वहाँ तक सारे बिहार के अंदर 100 स्थानों पर कार्यक्रम किए जाएं, और उन कार्यक्रमों का उद्देश्य होगा कि हमारी जितनी भी विविधताएं हैं वो उनको मेंटेन करते हुए, सबका आदर करते हुए, वो भाषा बोली की होंगी, खान पान की होंगी, पहनावे की होंगी, पूजा पाठ की होंगी, जातियों उपजातियों के रूप में होंगी, वह सब बनी रहें, परंतु किसी की आलोचना, दखल, निंदा, कन्वर्शन ना हो, बल्कि सबका सम्मान हो। इस प्रकार से एक बंधुत्व का, प्रेम का, भाईचारे का वातावरण बने। बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, बिहार चाणक्य की धरती है, बिहार राधा कृष्ण की धरती है, बिहार युगों युगों से वो धरती है जिसने, और देश को ही नहीं, दुनिया को ही नहीं, मानव जाति को ही नहीं, प्राणी मात्र को बहुत कुछ दिया है। यह है सीता मैया की भी धरती है, यह है, और राम जहाँ पर स्वयं और अपनी बहन से मिलने हैं उसकी भी धरती है, यह है जनक के लिए भी धरती है, जो और राजा महाराजाओं में विदेही माने गए उनकी भी धरती है। तो इस धरती पर यह प्रयोग सफल हो और देश के अंदर बिहार में से एक भाईचारा, प्रेम, कटुताएं और हिंसाएं जाएं और भाईचारा और प्रेम आए, यह जन्मेगा तो एक नया बिहार और एक नया भारत इसमें से अपने आप दिखाई देगा। पूरे देश में जाति जनगणना कराने के लिए ऐसा है कि देश में जनगणना होने की बात है, और जनगणना में स्वाभाविक रूप से भाषा भी पूछी जाएगी, बोलियां भी पूछी जाएंगी, उसके पूजा पद्धतियां भी पूछी जाएंगी, उसकी जातियां उपजातियां भी पूछी जाएंगी, इतनी तरह की चीज़ें आएंगी, वो सब आएंगी, तो जाति रहेगी, जाति कोई मिटा नहीं सकता, मत पंथ रहेंगे, उनका सम्मान रहेगा, परंतु उसके कारण धर्मों में कट्टरता आकर दंगे ना हो, जातियों में छुआछूत आकर आए ये ना हो, बल्कि हम सब ईश्वर से एक हैं और हम सब देश से एक थे, एक हैं, यह भाव सबका बना रहे। तो मुझे लगता है कि भारत इतनी विविधताओं का देश है, लोगों को जनगणना के बाद आएगा कि इतनी विविधताओं के बाद भी हम एक संविधान, एक झंडे, एक देश, एक जय घोष के साथ जी सकते हैं और जिएंगे। जनगणना में से यह एक नई तस्वीर इस देश के सामने पेश होगी जो शायद जाति जनगणना वालों ने सोची नहीं है। उनके मनों में तो द्वेष है, परंतु जो जातीय जनगणना के वैसे समर्थक हैं उनके मनों में द्वेष मुक्तता है, नफरत नहीं है, बल्कि देश की विविधताओं में हम सब कितने खूबसूरत और एक हैं, यह दर्शन इस बार लोग करेंगे। मगर सर, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई, उन्होंने आरक्षण को बढ़ाने के लिए, वैसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये जनगणना कराई है जो पिछड़े हैं, ऐसा देश है में भी कि इस तरह देश के के अंदर आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया। संविधान में से इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है, जन जन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, जो गरीब है, पिछड़ा है, कमजोर है, शोषित है, जो शोषित है, और उनको अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय मिले, इसलिए आरक्षण के रूप में यह संविधान ने मान्य किया हुआ है, और यह मान्य
सबने किया हुआ है, पूरी संसद ने किया हुआ है, इसलिए जो भी इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आरक्षण का समर्थन तो राजनीतिक दलों में से सबने किया हुआ है, कौन ऐसा दल है जिसका समर्थन नहीं है, तो इसलिए किसी एक नेता और किसी एक दल का नहीं है। संविधान को मान्य करके संविधान दिवस भी मनाया जाए और संविधान का भी मंदिर संसद भवन है, इसको प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वयं किया है, तो मुझे ये लगता है लेट ऑल शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। संघ भी मानती है सर कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, नीतीश कुमार ने बढ़ाया। अब इसमें से जो जो होगा आने वाले कल के अंदर जनगणनाओं के बाद देश की संसद में निर्णय होंगे, और जो भी निर्णय करेगी संसद पर हमें पूरा विश्वास है वो देश हित में निर्णय करेगी। ऐसा है कि मांसाहार भी दुनिया के अंदर आहार है, कई प्रकार के पशु पक्षी जानवरों का मांस खाया जाता है, पर गाय एक ऐसा प्राणी है जो सामान्य पशु पक्षियों में नहीं आता है, अद्वितीय है, इसलिए जब गाय पर हिंसा होती है तो भावनाएं आहत होती हैं, इसके कारण तनाव आता है। तो मेरा बड़ा सुविचारित मत है, मैंने लाखों मुसलमान ईसाइयों से भी वार्ता की है, बौद्धों से भी की है, करोड़ों करोड़ देशवासियों से भी की है, नो काउ लिंचिंग नो मैन लिंचिंग। गाय के लाखों लाख मुसलमानों को मैंने एड्रेस किया है, किसी को कोई एतराज नहीं है। कुछ लोग हैं जो इन बातों को भड़काते हैं, मुझे ये लगता है कि मैंने जो लाइन दी है इस लाइन पर जो इस देश के अंदर परंपराओं से विद्वानों और वैज्ञानिकों ने दी है, संविधान और मानवता के रचनाकारों ने दी है, उस पर चलेंगे तो देश के अंदर अपने आप इस द्वेष से इस हिंसा से मुक्ति हो जाएगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।